Can't go, please. This is not the system. This is not you. You're the judges. You can't go on the stage. You need to be over here. You need to, you have to maintain the decorum of the of being a judge. तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे. सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है. उसके बाद ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस शुरू हो गई जज की. अब जज भी कर क्योंकि क्यों टीआरपी नो आर मैनेजमेंट टीम आर एंटरटेनमेंट आर इन्वेस्टिगेशन टीम आर जासूसी टीम इज टेलिंग अस दिस विल वर्क. और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई वो कल के बच्चे हैं जो ना आई डोंट लाइक दिस यू नो आई डोंट लाइक दिस आईडिया आई लाइक पंचम पंचम का पता कुछ नहीं है बट आई लाइक पंचम आई लाइक पंचम यू नो पंचम अभी तेरे पंचम तेरा तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते एंड टच द लाइक. तो गाइस आप सभी ठीक होगा और मैं भी ठीक हूँ. तो गाइस आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन था वोल्कर. तो आज मैं आप सभी के मेरे फेवरेट सिंगर कौन है आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ. तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं सर कैसा उसे गाया ना बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर यू नो यू हैव टू हाइप द कंटेस्टेंट को हाइप करो ऐसा करो वैसा करो. अब मेरे दिल से नहीं आ रहा यार इतना अच्छा उसने इतना अच्छा नहीं गाया और मैं उसको बिल्कुल क्यों बनाऊँ जब उसके गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूँ. आज तो गाइस आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरा बेस्ट सिंगर कौन है बोलकर. तो मेरा बेस्ट सिंगर का नाम है रितु रिबा. तो रितु रिबा जी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है और मैं भी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ. तो गाइस यामी जिना भी है हमारे अरुणाचल से बिलोंग हुआ था यहाँ पर जिन्हें भी आया है यहाँ पर और ये सभी रितु रिबा जी को सपोर्ट करता है. और मेरा फ्रेंड जिना भी है और ये सभी रितु रिबा जी को सपोर्ट करता है और आगे भी करते रहेगा. तो गाइस बहुत लोग ये सोच रहा हुआ कि रितु रिबा का नाम लेकर हमें फेमस होने के लिए वीडियो बना रहा है बोलकर ये बिल्कुल नहीं. अगर ये सोचने वालों को तो मेरे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं. और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो सही है उसको साथ देना चाहिए और गलत है उसके साथ तो भगवान भी नहीं देते हैं वो तो हम सभी को पता ही है. तो गाइस हमें इंतज़ार है कि रितु रिबा जी का 18 अक्टूबर में गाना रिलीज होने वाला है. वो गाना सुनने के लिए बेचैन है यहाँ के लोग और हमारे फ्रेंड और मेरे फैमिली सभी लोग. तो जो भी ये सोच रहा होगा कि बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि मैं रितु रिबा जी का नाम लेकर फेमस होने के लिए वीडियो बना रहा है बोल के बिल्कुल ऐसे नहीं है. क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरे फ्रेंड और मेरे फैमिली जिन्हें भी इंडिया में है सभी अरुणाचल में रहते हैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे फैमिली से हमेशा बात करने के लिए समय नहीं मिलते यहाँ कैनाडा में रहकर. इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और अपना फ्रेंड से शेयर करता हूँ. तो जिन्हें भी मेरे क्लासमेट है और लोग इंडिया रहते हैं इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ. उन सभी ने मुझे आइडिया दिया था कि ब्लॉग बनाओ क्योंकि हमें देखने के लिए मौका मिले बोलकर. तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे बच्चों को गाली सिखानी है. तो गाइस मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ में भी हम सभी रितु रिबा जी के गाना सुनता हूँ और हमेशा फुल सपोर्ट करता हूँ उनको और दिल से करना चाहिए जिस जो भी काम करते हो आप दिल से करना चाहिए जिसको. तो गाइस देख सकते हैं छिकी भी आ गया है यहाँ पे. मैं वीडियो बना रहा था. तो जिसको भी सपोर्ट करता हूँ आप दिल से करना चाहिए खुल के करना चाहिए और ये नहीं कि वीडियो में मैं उनको सपोर्ट करता हूँ बोलकर और पीछे में कुछ और बोलना ये बुरी बात है ये अच्छी बात नहीं है. तो आप रितु रिबा जी को सपोर्ट करना चाहिए और आगे भी करना चाहिए. तो मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है लेकिन मैं हिंदी बोलने में बहुत कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं अरुणाचल में हिंदी बोलते रहता था और हमें अच्छा लगता है कि हिंदी बोलने के लिए. तो गाइस आप सभी ये सोच रहे होगा कि मैं वीडियो बहुत लेट में बना रहा है बोलकर ये वीडियो मैंने बहुत पहले बना कर रखा था क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया था. तो अगर कोई चीज़ दुनिया भर में चल रही और उसको अगर बर्बाद करना और खराब करना हो उसका भजिया पाव करना हो तो यहाँ लेके आओगे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको ये सबसे सटीक और सबसे इजी अंडरस्टैंडेबल रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ वो है अमेरिकन आइडल. ओके अमेरिकन आइडल ब्रिटिश आइडल इटालियन आइडल स्पेनिश आइडल ये सब चल रहे हैं. यहाँ से जैसे स्टार्ट हुए थे वहाँ चल रहे हैं. हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ मैं अनु जी पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया. वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है.
पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है और उनके पैर छूने हैं, और आप प्लीज ऐसा कीजिए कि मुझे अलाउ कर दीजिए सोनू भैया के साथ में। तो हमको फ्री माइंडल की टीम बोल रही है यू कैन गो प्लीज, दिस इज नॉट द सिस्टम, दिस इज नॉट यू, यू आर द जजेस, यू कैन गो ऑन द स्टेज, यू नीड टू बी ओवर हियर, यू नीड टू यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द ऑफ बीइंग अ जज। तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है। उसके बाद ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस शुरू हो गई जज की। अब जज भी कर टीआरपी नो आर मैनेजमेंट टीम, आर एंटरटेनमेंट, आर इन्वेस्टिगेशन टीम, आर जासूसी टीम इज टेलिंग अस दिस विल वर्क। और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार कर नहीं है, जिसको कोई वो कल के बच्चे हैं जो ना आई डोंट लाइक दिस, यू नो आई डोंट लाइक दिस आईडिया, आई लाइक पंचम, पंचम का पता कुछ नहीं है बट आई लाइक पंचम, आई लाइक पंचम, यू नो पंचम, अभी तेरे पंचम तेरा बाप के बाप का बाप है, पंचम मत बोल, करीब तो आड़ी आड़ी पर बोल, व्हाट इज पंचम, समझिए प्रोग्रामिंग टीम के, यू नो वाई यू शुड बी सम पंचम ना यार, पीपल लाइक पंचम, ओल्ड सॉन्ग लाइक मोहम्मद रफी यार, मतलब किशोर कुमार यार, किशोर दा, तेरा दा कैसे हो गया, किशोर दा तेरा कैसे हो गया। तो ये लोग मार्केटिंग डिसाइड कर रहे थे। वो जो आइडल शुरू हुआ था जहां पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना, अब यहाँ पे क्या होता है, रो रहे जज, रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहे मैं आपके पैर पर, जो कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं मैं आपके पैर पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पढ़ना चाहता हूँ। अरे भैया ऐसा मतलब ये जो आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है, वहां तो नहीं हो रहा, वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोलने की हे डूड आई वांट टू टच योर फीट मैन, आई आई वांट टू डांस टू यू मैन, आई वांट टू, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। हमारे वाले अब जजेस को, जब मैं जज बना भी था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो कर रहे हो कि शायद वो पब्लिक, उनको पता होगा कि पब्लिक ऐसी ही ट्रिगर होती है, इंडिया में ट्रिगर ऐसी पब्लिक होती है, वो भी मुझे कहते कि सर वो कैसा उसे गाया, मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, यू नो यू हैव टू हाइप द कंटेस्टेंट को हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा यार, उसने इतना अच्छा नहीं गाया और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊ, जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूँ। तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है, जो टेली जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टॉकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ फिर वो हो जाएगा, देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, आई अंडरलाइन लॉट्स ऑफ शोज म्यूजिक कॉम्पिटिशन, एंड परहैप्स मे बी 99% ऑफ द म्यूजिक म्यूजिक कॉम्पिटिशन शोज, सिंगिंग कॉम्पिटिशन शोज, वेयर वॉट यू आर वॉचिंग इज अ डब्ड परफॉर्मेंस और इज अ करेक्टेड परफॉर्मेंस, दे डोंट वॉन्ट टू शो यू द फॉल्टेड सिंगिंग, जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया, क्रॉस में आपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं, तो किसी चीज को खराब करना हो तो इंडिया में खराब करो। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, म्यूजिक में भी ये हो रहा था जो आप बोल रहे थे, जहां से ये बात कहानी शुरू हुई है, यहाँ पर क्या है, कोई गाना आज म्यूजिक कंपनीज जो है वो बताती है कि ये गाना तुम ना केवल बताओ ये गाना बजाओ, वो ये भी बताती है ये गाना ना बजाओ, ये इंडिपेंडेंट इसको मत गवाओ, ये हमारे कंट्री की, ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट है, ये हमारी कंपनी का आर्टिस्ट नहीं, इसका गाना आप ना बजाओ। और चूड़ी चूड़ी पहन के जो बाकी लोग हैं वो, हाँ सर आपने बोल दिया तो बिल्कुल हम नहीं बजाएंगे, आप हमें प्लीज रूल करो ना, प्लीज हमको प्लीज भक्कड़ियों में बांध दो ना, प्लीज हमको फ्रीडम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू एंजॉय योर फ्रीडम, प्लीज टेल अस व्हिच सिंगर यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस सिंगर, ओके सर व्हिच कंपोजर डू यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस कंपोजर, बट सर दैट गाय इज मच मोर टैलेंटेड एंड ही इज माय कंपनीज आर्टिस्ट। तो जो आप अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे जब तक ये नहीं बदलेगी चीज,
दे वॉन्ट यू टू लिसन टू सर्टेन सॉन्ग्स, दे वॉन्ट यू. उनको उन्होंने गाना दिया कि उनका आर्टिस्ट है, ये 100 रुपये लेता है शो में, उसमें से 40 रुपये इनके पास जाएंगे. और वो आर्टिस्ट जो है वो रिजर्विंग आर्टिस्ट है, वो खूब बाहर कॉन्सर्ट कर रहा है, पर उसका पैसा उसके पास ही आ रहा है, म्यूजिक कंपनी को नहीं मिला वो पैसा. तो वो जो आप सुन रहे हैं अपने बिल बोर्ड चार्ट में, इंडिया के जो है चार्ट जो भी है टॉप 10 चार्ट से, इसका संबंध उस बात से है कि कौन किसका आर्टिस्ट है. तो बाहर ऐसा नहीं होगा, इंडिया में यही मैंने कहा ना, किसी चीज का रायता बनाना हो तो वो इंडिया में ले लो, इंडिया वाले उसको पूरा रायता बना के, कचोरी बना के, चटनी बना के आपको ले. I spoiled it for you. Now you. Lastly, thank you so much आप सभी को. तो मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग पे. तो सिक्की को दिखा देता हूँ, सिक्की यहाँ पे खेल रहा है थोड़ा सा. तो सिक्की हम दोनों भी अभी खाना खाने के लिए समय हो चुका है. तो मिलते हैं, टेक केयर.